हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने सेट और रिलेशंस के और फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब जो है वो अपन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से कोई भी जो दो सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स पर अप्लाई होते हैं और किस किस तरह से इनको यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है। तो नॉर्मली जब अपन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसके नाम से ही पता है द्विआधारी संक्रिया। यहाँ पर आधार कितने होते हैं, दो आधार होते हैं और उन दो आधार की संक्रियाओं के बाद अपने को क्या मिलता है, एक जो एक वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू जो होती है वो अपने पास फाइंड आउट होती है। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर कोई मेरा सेट है, उस सेट से मैंने दो वैल्यू उठाई है और उन पर मैंने क्या लगाया है, बाइनरी ऑपरेशन लगाया है, तो मुझे वो एक तीसरा रिजल्ट जो फाइंड आउट होगा वो भी किसका होगा, उसी सेट का होगा जिस सेट से अपन ने क्या हुआ है उस एलिमेंट को उठाया। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपना बाइनरी ऑपरेशन सही नहीं होता है। अगर ये उसी सेट का एलिमेंट हो जाता है वो बाइनरी ऑपरेशन अपना यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की, तो नॉर्मली जब अपन इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विआधारी संक्रिया, इसमें दो आधार होते हैं, यानी दो एलिमेंट उठा के अपने को इस पर अप्लाई करना होता है संक्रिया को। संक्रिया यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी संक्रिया यहाँ पर अपन ऑपरेट करवा सकते हैं। तो अगर अपन लिखना चाहें तो लिखेंगे किसी समुच्चय एस के लिए द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम होता है, ऐसा नियम होता है जिसमें एस के कोई भी दो एलिमेंट उठा सकते हैं और उनका जो अपन रिजल्ट देखें तो अपने को एक रिजल्ट उसका फाइंड आउट होता है। एस के किसी एक अव्यय से संबद्ध होंगे। अब देखिए किस तरह से ये संबंध होते हैं। नॉर्मली अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन की बात करूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एक बार मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको, जैसे मैंने अप्लाई किया 3 + 4, ठीक है, ये कोई सेट है मेरा, मैंने एक सेट से दो एलिमेंट उठा लिए। मान लेते हैं कि मेरा सेट जो है वो इस तरह से है, मान लो कोई 10 तक की यहाँ पर वैल्यूज है, ठीक है, ये 10 तक की वैल्यू जो यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने कोई सेट उठाया है और ये सेट के मैंने दो एलिमेंट उठा लिए 3 + 4, ठीक है, 3 + 4 जो दो एलिमेंट मैंने उठाए हैं। अब इनके बीच में मैंने संक्रिया कौन सी लगाई है, प्लस की लगाई है, तो वो मेरे कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये दो एलिमेंट जो है, ठीक है, इस संक्रिया के थ्रू इस तीसरे एलिमेंट से संबंधित हुए कि नहीं हुए, ठीक है, यही ये डेफिनेशन कहना चाहती है कि कोई भी दो एलिमेंट जो है उस पर वो जो संक्रिया अप्लाई करेंगे तो वो किसी तीसरे अवयव, उसी सेट के किसी अन्य अवयव के साथ में क्या होंगे, संबंध होंगे, ठीक है। ये अपनी बाइनरी ऑपरेशन की सिंपल सी एक डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन होती है, ठीक है। सेट के दो एलिमेंट उठाने होते हैं और उसको यहाँ पर तीसरे एलिमेंट से अगर उसका कोई संबंध आ जाता है तो उसको अपन यहाँ पर बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइन हो गया, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन के जो टाइप्स होते हैं उनको यहाँ पर अपन पहले डिफाइन करेंगे कि क्या क्या टाइप जो है इसके डिफाइन हो सकते हैं, क्या क्या रूल्स जो है इसके लिए अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन के कुछ रूल्स जो होते हैं उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे।
पहला रूल जो है प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, पहली प्रॉपर्टी अपनी होती है नॉर्मली संवृत्तता की होती है, संवृत्तता। अगर ए भी मेरा एस को बिलोंग कर रहा है और बी भी मैंने एस का उठाया है, मैंने दो एलिमेंट उठाए ए और बी किसी एस से, ठीक है, तो ए स्टार संक्रिया द्विआधारी संक्रिया जो होती है उसको अपन स्टार से दर्शाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो ए स्टार बी भी अगर मेरा किस में आ जाए, एस में आ जाए, तो अपन उस संक्रिया को क्या बोलते हैं कि वो एक संवृत संक्रिया है, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कैसा होगा, मेरा संवृत होगा यानी क्लोजर होगा। ये अपनी पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफाइन होती है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होती है क्रम विनिमयता। जब भी अपन यहाँ पर आगे अपनी क्या आएगी, ग्रुप थ्योरीज आएगी, ठीक है, उन ग्रुप थ्योरीज के अंदर जो है इन संक्रियाओं का बहुत ही अहम योगदान है, इसीलिए मैं आपको पहले ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं जो सारी चीज़ें हैं उनको लेके चली हूँ ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं हो। तो क्रम विनिमय जो है उनके अंदर किस तरह से रहता, देखो क्रम विनिमय के अंदर अपना रहता है ए बिलोंग, ए और बी मैंने दो उठाए हैं एस से, ठीक है, तो ए स्टार बी अगर मेरा बराबर हो जाए बी स्टार ए के, इस केस में मैं क्या बोलूँगी कि जो मेरी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा है, मेरा क्रम विनिमय होगा, ठीक है। तीसरी आती है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैसे तो आप इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते होंगे, पर फिर भी एक बार फिर से अपन इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपनी नई चीज़ें रहती हैं। थर्ड जो होती है वो अपनी होती है साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो जो साहचर्यता होती है उसके लिए अपन जानते हैं कि तीन एलिमेंट डिफाइन होते हैं ए बी और सी, तीनों ए की अपन सेट से उठाते हैं, ठीक है। अगर ए स्टार बी स्टार सी है वो किसके बराबर हो जाए, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो जाए, तो अपन इसको क्या बोलते हैं कि ये मेरी कैसी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे साहचर्यता यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो करती है, ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब फोर्थ आता है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। आइडेंटिटी और इनवर्स इनको आप समझिएगा बहुत ही अच्छे से, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स। पहला आता है तत्समक अवयव। कोई भी जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसका तत्समक अवयव जरूर होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे तत्समक अवयव होता क्या है, तत्समक अवयव वो अवयव होता है जिस पर अपन संक्रिया अप्लाई करवाते हैं। मान लो मैंने एलिमेंट पर यहाँ पर संक्रिया अप्लाई करवाई, कोई भी संक्रिया मैंने अप्लाई करवाई और मुझे वापस वही एलिमेंट फाइंड आउट हो गया, तो मैं जिसके साथ मैंने उसकी संक्रिया कराई है वो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी। जैसे मैंने तीन में जोड़ा जीरो और मुझे वापस क्या मिल गया, तीन ही मिल गया, तो ये जो मैंने एलिमेंट उठाया था तीन और इसमें मैंने जोड़ा क्या, जीरो जोड़ा, तो मुझे क्या मिल रहा है, वापस तीन ही मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो मेरा जीरो होगा ये क्या होगा, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और कौन सी संक्रिया के लिए, प्लस के लिए। ऐसे ही अगर मैं थ्री के लिए मल्टीप्लाई करवा के देखती हूँ वन को, ठीक है, तो थ्री को मैं जैसे ही वन से मल्टीप्लाई कराती हूँ वापस मुझे क्या मिलता है, थ्री ही फाइंड आउट होता है। तो ये जो वन होगा ये क्या हो जाएगा, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और किस कंडीशन के लिए होगा, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। यानी जो आइडेंटिटी होती है वो अपनी किस तरह से डिफाइन होती है, मतलब वो एलिमेंट जिसके साथ संक्रिया करवाने पर वापस वही एलिमेंट अपने पास फाइंड आउट हो जाए तो अपन उसको क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव बोलते हैं, ठीक है। ये अपना लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ऑपरेट हो सकता है, ठीक है, जैसे ए स्टार ई है वो भी क्या आ जाए, ए आ जाए, और ई स्टार ए है वो भी क्या आ जाए, ए आ जाए। तो इस कंडीशन में ये जो मेरा ई होगा ये क्या होगा, तत्समक अवयव होगा, ठीक है। ई यहाँ पे क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव, क्लियर है अच्छे से। तो ई जो होता है वो मेरा यहाँ पर क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा, क्लियर हो गया। वो अवयव जिसको अपन उस एलिमेंट पे अप्लाई करवाने पर वापस वही एलिमेंट अपने पास फाइंड आउट हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव बोलते हैं। अब इनवर्स जो होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है,
इनवर्स अपन किस तरह से निकालते हैं, चौथी प्रॉपर्टी जो पांचवी जो होती है मोस्टली अपनी इनवर्स की होती है, और इनवर्स प्रॉपर्टी जो होती है वो ये कहती है कि ऐसा एलिमेंट जिसके साथ अपन अप्लाई करवाते हैं, जिस बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करवाएं और अपने को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो वो अपना क्या कहलाता है, इनवर्स। यानी देखो जैसे प्रतिलोम में अवयव, तो प्रतिलोम अवयव जो है उसको अपन किस तरह से, देखो जैसे मैंने प्लस के लिए अपना इनवर्स, प्लस के लिए अपना तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो होता है, अपन सभी अच्छे से जानते हैं इसको, प्लस के लिए जीरो होता है। जैसे मेरे थ्री है उसमें मैं क्या जोड़ूँ कि मेरा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो थ्री में मैं क्या जोड़ूंगी, माइनस थ्री जोड़ूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये जो माइनस थ्री होगा वो क्या हो जाएगा, थ्री का यहाँ पर प्रतिलोम अवयव यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसको इसके साथ संक्रिया कराने पर मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव यहाँ पर मिल रहा है। तत्समक अवयव जिसके साथ संक्रिया करवाने पर अपने को तत्समक अवयव मिल जाए ना, ऐसा एलिमेंट जिसके साथ ऐसा एलिमेंट की संक्रिया करवाने पर अपने को क्या मिल जाए, तत्समक अवयव मिल जाए, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रतिलोम बोलते हैं। जैसे अगर मैं थ्री का एग्जांपल लूँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई के लिए तत्समक अवयव वन होता है, तो मैं थ्री का किससे करवाऊँगी, वन बाई थ्री से करवाऊँगी ना, तभी तो मेरा क्या फाइंड आउट होगा, मुझे वन फाइंड आउट होगा। तो ये जो यहाँ पर इस तरह से ये जो वन बाई थ्री है वो क्या हो जाएगा, थ्री का यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम होगा, और ये क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा। अलग अलग संक्रियाओं के लिए यहाँ पर अलग अलग जो होते हैं प्रतिलोम डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर मैं इसको बाइनरी ऑपरेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगी, देखिए इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑपरेशन की फॉर्म में लिखे, तो यहाँ लिखेंगे ए स्टार बी ई मिल जाए और बी स्टार ए बी क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो बी जो है वो ए का प्रतिलोम कहलाता है, और इसके प्रतिलोम को अगर अपन देखना चाहें तो ऐसे भी दिखाते हैं, बी को अगर प्रतिलोम है तो ए इनवर्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ए का इनवर्स जो है उसके फॉर्म में भी अपन यहाँ पर इसको बी को दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, जो अपनी बेसिक सी संक्रिया होती है उसके बारे में अपन ने देखा कि उस पर क्या क्या रूल्स किस तरह से यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं और किस किस तरह से यहाँ पे रूल्स जो है वो डिफाइन हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।